आजा 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 ना। टकबक टकबक आशा पाशा, क्यों है मेरा बच्चा रोए? आओ खालिस मौसमी परिंदा, अब जाए तब वापस आए। मतलब? मतलब जो जाता है वो वापस आता है। अल्लाह मेरे हंसते खेलते खानदान पर खुशियां इसी तरह बरकरार रखना। मेरी शैतान परी, अब केक सब में कैसे बटेगा? अब फरीद भाई की सालगिरह कैसे मनाएंगे बताइए? माही जान, चलिए अब अपना वाला जादू दिखाइए। इस करारे पत्ते को देखिए और अब इसके नीचे छिपे आंकड़े बताइए। माशाल्लाह, इसे कहते हैं जादू। हाँ मेरे बच्चे, आपका इनाम है कोई इन पहाड़ों में ऐसा जो एक बार कुछ देख ले और फिर कभी ना भूले? चूहा का शरीर, हाथी का दिमाग, तब रुका फरी। कितने खुश है ना हम? मैं, अम्मी, अब्बू, दादी जान और भाई, हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, हमारी खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे। बच्चों को फेर चुका। क्या हुआ? छुप जाओ, बाहर मत निकलना। हराम की औलाद, हमारी जमीन पर रह के हम में से एक होके भी इन हिंदुस्तानियों को हमारी इन्फॉर्मेशन देता आ रहा है। तुम मातम फैलाने वाले बुजदिल लोग हो। अब्बू और हम छुपम छुपा खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ अब्बू हमको ढूंढ ना पाए तो हम खो जाएंगे ना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना एक हाथ खो दिया तो अब्बू अपना दिल कैसे खो देंगे? हम अब्बू का दिल है। उनकी जान भी। चुप रहना, कोई आवाज ना करनी। Thank you.
मम्मी आयत बच्चे बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए अब आप गोद ले रहे हैं। गोद लेंगी अगली पीढ़ी। हाँ हाँ, गोद लेंगे अगली पीढ़ी, कर लो गरबा। ये अंडे वाला रोज यहाँ से गुजरता है। मेरी खानदानी बंगड़ी से भी पुरानी है तुम लोगों की सोच। तुमको तो गर्व होना चाहिए मेरे मिनल और सरस पर।
मेरे रिश्तेदार का उच्च कुल का बच्चा अनाथ हो गया है। उसे जीवन दान देने के लिए मेरे बहू और बेटी उसे घर लेके आ रहे हैं। मेरे घर पौत्र आएगा, पौत्र मेरे घर पे जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा। हाँ बस 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 ऐसे बजाना, कमी हो तो देखो पगमा फोड़ना, आने तक गरबा करवाऊंगी। हाँ वो लोग आते ही होंगे। आ गए बा। जा बेटा बा से मिल। मेरे घर पौत्र आएगा, पौत्र मेरे घर में जलसा होगा, जलसा। ठीक है ना बेटा? बस बंद करो, बहुत हो गया, जाओ तुम लोग। सरस ये क्या? ये तो पौत्रा नहीं पौत्री है बा। एक बात बताओ बा, आपका कौन सा रिश्तेदार ऐसा गोरा है? इतना ध्यान अगर अपने रिश्तेदारों पर देती ना तो तेरे हाथ की बनाई हुई चाय मेरे पौधों को नहीं पिलाते। अभी हो गया गरबा, अभी जाओ बता, जाओ जाओ। हाँ हाँ ए हेलो। मैं बा से बात करता हूं। बेटा बा, बा। मारी डिंगली को भूख लगी है ना, पहले पेट पूजा करेंगे पची तारा नवा घर देखेंगे, ठीक छे? चल। बा 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 क्या हो गया तुझे? छोड़ छोड़। हा? तुझे क्या हो गया है सरस? एक छोकरी को घर लेके आया, बच्चा गोद लेने की जिद की तो मैं मान गई। एक छोकरा लेके आएगा तो टड़िया कुल आगे बढ़ाएगा। जरा मॉडर्न बन ने। और ममता कहाँ, छोकरा या छोकरी देखकर ही आती है। चल बता, अगर मैं छोकरी होता तो क्या कम प्रेम से ढोकला खिलाती मुझे? ले बेटा ढोकला खा, पेट मन जिगर सब भर के खा। ले गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो पसंद होगा ने? अरे डिंगली खा, ले मैं खिलाती हूँ। एक तो छोकरी फिर इतनी बड़ी, अम्बे माँ जाने वो कहाँ रहती थी, क्या खाती थी। ढाई फुट की ढली ढलाई लड़की उसको कैसे अपनाएंगे? अब क्या मालूम कहाँ जाके क्या गरबा करेगी। देख बेटा, अनाथ आश्रम वाली मैडम ने कस सुनी बताया तेरे बारे में। तू क्या रहती थी, तरु नाम शू है तू, क्या हुआ तेरे मम्मी पापा का कुछ भी नहीं बताया। और तुझे ये सब याद ना आवे इसलिए तेरा नाम भी बदलवा दिया। और मारी बात सांभर, आज से तू हमारे इस घर की बेटी है। सेजल सरस कोटाडिया मारी दीकरी। तू
तो खाएगी रे, अभी लाती हूँ। ले मालदीनी गर्मा गर्म हलवा। सेजल, 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 सरस, सरस, नल, नल छूता हूँ। लो, कर लो गरबा। छूता हूँ मिनर। सेजल नहीं है। सेजल नहीं है? नहीं। बाहर देखते हैं। सेजल, अरे बेन, छोटी बच्ची को देखा क्या? ए भाई, छोटी बच्ची को तुमने एक 4-5 साल की बच्ची को देखा क्या यहाँ तक? नहीं ना। सेजल, सेजल, सरस, मारी दिंगली भूखी छे, आज उसको चांद भी खाना होगा ने तो तल देंगे। प्लीज अजर भाई, अजर भाई, सर आज तक चाहे जितने बर्गर वाले आए पर अपने वड़ा पाव के बिजनेस को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक वैसे ही बच्चे के साथ बुरा बहुत हुआ सर, पर आपने जो फैमिली दिलाई ना सर, अब इसका फ्यूचर एकदम सेट है सर, अब इस बच्चे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। हाँ, मगर दुख इस बात का है कि उसके भाई को उठा के ले गए वो लोग। ये बच्ची तो अब, ये बच्चे का फ्यूचर एकदम सेट है सर, एंड फॉर दैट थैंक्स टू यू सर। મીઠુડી, મારી મીઠુડી લાગે છે ને? જો ને બા, આજ પહેલે દિન મેં 3-3 સમોસા ખા ગઈ, આ જિંગલી કે છોટે સે પેટ મેં બડે બડે ગોલે ફૂટેંગે હો। જ્યાદા સર પે મત ચઢાઓ, નહીં તો કલ છાતી પે ચઢ કે ગરબા કરેગી। ગરબા ક્યા હોતા હૈ? લો કર લો ગરબા। Thank you.
जितिन भैया ने भेजा है सेजल दीदी और बाबा भाई के लिए। ओहो हो, दोस्त हो तो ऐसा, खुद नहीं आया लेकिन बेस्ट विशेस तो भेज दी ना। इनका ही चल रहा है। अरे वाह, ये सब सेजल का गरबा देखने आए हैं। आज पूरे जामनगर के सामने सेजल और मेरे स्वाभिमान की अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा था? हाँ। पहले क्यों नहीं पता? मैं फायर ब्रिगेड मंगवा के रखता ना। तुमने सर पे चढ़ा रखा है उस बकुड़ी को। हाँ, लेकिन चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती ना वो लेके हमेशा मीनली खड़ी रहती है। अब स्टेज पर आएंगे सरोज बा के मस्ताने, जामनगरी भाई बहन की जोड़ी सेजल बुम्बा एंड टीम। तालियां। हे अंबे माँ, ये गोद ली बच्ची अच्छे से गरबा करे तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। क्या उठा लो यमराज, उठा लो। मैं बोला था ना सर, टीचर ने ना ऑर्डर, इसके बस की नहीं है सर। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मैडम गिरपड़ा एक्सप्रेस ये आपका मिशन पूरा करेगी। नहीं ताना जी, पिछले 16 साल से इस लड़की को देखते आ रहा हूँ। ये भोली भाली शक्ल, कमजोर नजर वाली लड़की में एक खास बात है जो और किसी में नहीं है। पांच साल की बच्ची घर में आई थी तब भी गिरी थी और अब 21 साल की लड़की आज भी गिर रही है। खास बात बोले तो, ये किसी भी चीज, किसी वाकया या किसी इंसान को एक बार देख लेती है तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलती। 5-3-4-0-5-8-4-5 चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा ही। इसीलिए अपने देश के लिए, अपने माँ बाप और अपने भाई के लिए काबिल जासूस जरूर बनेगी। चल बेटा, चश्मा ठीक कर बेटा। ठीक छे, यही करेगी उस देशद्रोही योहान्नंदा की जासूसी। नंदास बोले तो, दिल्ली का इतना प्रतिष्ठित फैमिली, उसका छोटा बेटा योहान नंदा, उस पे देशद्रोह का डाउट क्यों है सर? इंटेल को इस योहान नंदा के देशद्रोही स्लीपर सेल के साथ कनेक्शन होने का डाउट है। ये बंदा बीच में 6 महीने के लिए अफगानिस्तान में था, वहां लोकल से मिलता रहा, लेकिन उसने क्या बात की, क्यों गया था, सबसे छुपा के रखा। आए दिन कश्मीर जाता रहता है, कश्मीर कभी काम का बहाना कभी छुट्टी का बहाना, लेकिन ट्रेस ढूंढने जाना तो सब कुछ साफ साफ नजर आता है। एकदम तेज आदमी है।
एक नंबर का शातिर है। इसके सारे काम हमारी सोच के बिल्कुल उल्टे होते। इसका अगला कदम क्या होगा हमें कोई नहीं बता सकता। इस योहान नंदा के ऑपरेट करने के तरीके अगर अनयूजुअल है तो उसे पकड़ने का हमारा तरीका भी अनयूजुअल होगा। अनयूजुअल बोले तो सीधी जलेबी। ए सेजल, हम कोटाडिया ब्रांड है कोटाडिया। अरे गिर तो सकते हैं मगर कभी रुक नहीं सकते। चल सीधी सादी सेजल कोटाडिया बोले तो जासूस स्पाई। उस नंदा के हाई प्रोफाइल घर में जहां पर हमारा कोई भी ट्रेंड ऑफिसर कभी भी सक्सेसफुली जासूसी नहीं कर सका। यही बनेगी उस योहान नंदा के अरेस्ट की वजह है।